हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक और टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने पेयर टी टेस्ट अच्छे से समझा था कि हम इसका टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं और डेटा का हमारा नेचर क्या होता है, उस बेसिस पे हम जो पेयर टी टेस्ट लगाते हैं। देखिए, पेयर टी टेस्ट का लगाने का जो है डेटा एनालिसिस का लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सेम रिस्पोंडेंट को हम दो बार जो है उसका टेस्ट जो हम उसका मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी है, ठीक है, पर्टिकुलर को ट्रेनिंग दी। उसके बाद ट्रेनिंग से पहले पहले हमने जो है उसका एक टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, तो उसका कुछ और स्कोर आया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कुछ और स्कोर आ सकता है, तो क्या वो जो स्कोर है इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, और अगर इम्प्रूव हुआ तो क्या वो इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या देते हैं पेयर टी टेस्ट। लेकिन पेयर टी टेस्ट तब लगाते हैं जब हमारा डेटा क्या हो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए लायक हो, यानी कि जब हमारे जो बेसिक कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा हो। लेकिन अगर मान लीजिए वही सेम डेटा अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, क्या मतलब, जैसे मान लीजिए डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, या फिर हमारा जो वेरिएबल में जो है हमारा वेरिएबल्स में या वेरियंस में होमोजिटी ना हो, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना होगा। तो बस हमें देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, बस इसी के इक्विवेलेंट देखना है हमें कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। तो हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, दैट इज कॉल्ड विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो हमें छोटे से केस स्टडी के थ्रू देखेंगे क्या इस टेस्ट से हम कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, छोटी सी हमारी केस स्टडी है। जैसे देखिए, कंपनी ने कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाहती है, तो कंपनी ने क्या करा, पहले जो है ये बिफोर, यानी कि बिफोर एडवर्टीजमेंट ये सेल्स निकाली। उसके बाद कंपनी ने सेल करी, तो फिर देखा कि सेल्स ये आ रही है फर्स्ट 10 डेज की। ठीक है, तो मतलब ये कंपनी देखना चाह रही है कि क्या सेल्स का इम्पैक्ट, सॉरी एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट जो है सेल्स पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो क्या वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं, तो ये देखना है। तो पहले हमें देखना है कि या ये टेस्ट जो जो भी हमारे पास डेटा है, क्या वो पैरामीटर टेस्ट के लिए जाना है या फिर नॉन पैरामीटर टेस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं इसको। गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, दोनों को ही हम टेस्ट करना है, तो दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल में चले जाएंगे। फैक्टर लिस्ट में कोई आएगा ही नहीं। प्लॉट्स में हम लेंगे हिस्टोग्राम, या माने चले हम सिर्फ नॉर्मली टेस्ट करते हैं बस। क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज द आउटपुट। तो देखिए, दोनों में ही देखिए नंबर क्या था आपके, 10-10 है, मिसिंग कोई भी नहीं है। बिफोर प्रिंट मेल जो सेल होती थी वो कितनी है, दैट इज 6000, आफ्टर कितने होगी 6550, डिफरेंस तो आ रहा है और बढ़ भी गया है, बट क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए आपका वेरियंस यहाँ पर कितना है, दैट इज 72597, यहाँ पर कितना है, दैट इज 84000, बढ़ गया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है आफ्टर एडवर्टीजमेंट। इसके बाद देखिए रेंज यहाँ पर कितने, 21750, यहाँ कितनी रेंज 25, देखिए यहाँ पे देखिए वेरिएशन नजर आ रहा है। इसके बाद अगर देखें स्क्यूनेस, देखिए ये 1 से भी ज़्यादा कर गया, वैसे स्क्यूनेस होना चाहिए 0 या क्लोज टू 0, तो बहुत ज़्यादा दूर चला गया। तो इसका यहाँ से पता लगा रहा है कि डेटा तो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं, इससे भी देखिए पता लगा रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है नहीं, बट हमें क्या देखना है, मेनली टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी देखेंगे क्या डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही केस में, यानी कि बिफोर प्रिंट एंड आफ्टर प्रिंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, दोनों ही केस में आपका जो है ये क्या रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन 5%। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो डेटा क्या है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था कि चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो या फिर होमोजीनियस ना हो, इसका मतलब ये डेटा आपको कौन सा हो गया, आपका ये नॉन पैरामीटर टेस्ट के लिए आपको जाना है, राइट। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं नॉन पैरामीटर टेस्ट, दैट इज कॉल्ड विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। सो गो टू नॉन पैरामेट्रिक, के इंडिपेंडेंट सैंपल्स, दोनों को ही हम यहाँ पर टेस्ट वेरिएबल में लेके जाएंगे। जस्ट अ मिनट, सॉरी, टू रिलेटेड
सैंपल्स, टू रिलेटेड सैंपल्स, टू रिलेटेड सैंपल्स में जाएंगे, वेरिएबल वन वेरिएबल टू, एग्जैक्ट में आपको कुछ नहीं करना। ऑप्शंस में आप डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं, क्वार्टाइल्स भी देख सकते हैं, कंटिन्यू, और ये आपका बाय डिफॉल्ट विलकॉक्सन आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है, देन ओके। अब इस तरह का आपका जो आउटपुट यहाँ पर शो होगा। तो देखिए बिफोर प्रिंट एंड आफ्टर प्रिंट, बिफोर प्रिंट यहाँ पर एन 10 10 नीचे है, मीन देखिए यहाँ पर ये हमने देख लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देख लिया था, मिनिमम देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 750, यहाँ कितनी है 500, मैक्सिमम कितनी है 22,500, 22,500। तो देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है, तभी इसका जो है आपका वेरिएशन देखिए ज़्यादा आया था। उसके बाद देखिए ये क्या शो कर रहा है, देखिए क्वार्टाइल यानी कि आपका देखिए Q1, ये Q1 है और ये आपका Q3 है, ठीक है, तो ये आ गया और इसका ये मीडियन है। देन अब विल्कोक्सन सेंटर है, देखो मैं आपको बताता कि ये रैंक के हिसाब से बताता है। तो देखिए ये आपको दो रैंक दिखा रहा है, नेगेटिव रैंक एंड पॉजिटिव रैंक। तो देखिए मीन में आपको, देखिए मैं बताता हूँ ये मीन कैसे कर, ये रैंक को कैसे कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए डेटा है, आप इसको डेटा को जैसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए शॉर्ट केसेस में गए आप, मान लीजिए दोनों ही को शॉर्ट कर सकते हो बाय असेंडिंग, ओके कर लीजिए। तो देखिए ये डेटा आपका जो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में जो ये कन्वर्ट हो गया आपका डेटा, ये देखिए आपका डेटा ये जो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। देखो रैंक जैसे जैसे देखिए इसकी वन रैंक होगी, अभी दोनों सिमिलर थे तो वन के बाद क्या होगा टू एंड थ्री, तो इसका क्या हो गया मीडियन हो गया, तो ये कितना होने का 1.5, ठीक है। तो ये वन हो गया, टू थ्री इसमें चला गया, फोर फाइव, फोर फाइव का देखिए यहाँ पर एवरेज कहता हूँ 4.5 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर रैंक देनी है, तो रैंक के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर जिसको बता रहे हैं कि रैंक में डिफरेंसेस है या नहीं है, तो वही दिखाओ। देखो बिफोर प्रिंट इसका रैंक कितना, दैट इज 6.10, एंड आफ्टर प्रिंट कितना आना है 4.9, ठीक है। तो डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं वो देखना है। प्लस उसके बाद रैंक का समेशन, यहाँ देखिए फिर रैंक का समेशन कैसे किया, ऐसे कि रैंक रैंक देने के बाद सबका टोटल कर दिया, ऐसे देखिए इसका वन हो गया, इसका 1.5 हो गया, इसका 4.5 हो गया, तो ऐसे सबका टोटल। तो ये बिफोर एंड आफ्टर जो है रैंक का टोटल क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए इनमें भी देखिए डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अब हमें देखना है क्या ये जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम देखेंगे स्टैटिकल। तो यहाँ पर इन्होंने जी टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, देखिए जी टेस्ट मतलब पी वैल्यू देख सकते हैं, जब भी हमें को देखना है तो हमेशा पी वैल्यू देखनी है हमें कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये टू टेल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके ये आपकी वैल्यू करें इनसिग्निफिकेंट आ रही है, इनसिग्निफिकेंट मतलब हम बोलते हैं 5% ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स विच इज मोर देन 0.05, दैट इज 0.76 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका नल हाइपोथेसिस को ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ये डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है डिफरेंस है, ऑल्दो चाहे सेल्स बढ़ रहा हो लेकिन वो सेल्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल राइट, सो दिस इज द ऑल अबाउट विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, प्लीज कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।